नमस्कार। हरियाणा में चुनाव जल्दी होने वाले हैं और इस बार की विधानसभा चुनाव में 5 प्रमुख दल चुनावी मैदान में हैं, जिसमें बहुकोणीय मुकाबले ने इस बार चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। इस बार चुनावी दंगल में कई ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों का मुकाबला होने वाला है और इस वजह से वो सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं ऐसी भी कई सीटें हैं जहां एक ही परिवार के लोग आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक ही परिवार और वीआईपी उम्मीदवार होने की वजह से भी ये सीटें काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कुछ हॉट सीटों की, जिसमें एक सीट होती है डबवाली। जी हाँ, डबवाली हरियाणा विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है देवीलाल परिवार के 3 सदस्य इस पर आमने सामने हैं। एक तरफ देवीलाल के पोते और पड़पोते हैं, वहीं दूसरी तरफ देवीलाल के भाई का भी परिवार है। देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मौजूदा विधायक और देवीलाल के भाई के पोते अमित सिहाग भी चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय के सामने 2 चाचा मुकाबले में हैं, कांग्रेस से अमित सिहाग और इनेलो से आदित्य चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सीट अगर बात करें तो उचाना कला की सीट काफी ज्यादा चर्चा में है। जींद जिले की उचाना कला सीट 2 राजनीतिक परिवारों के लिए नाक का सवाल बन गई है। एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी से एक बार फिर से दाम आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर अपने परिवार की साख बचाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच पहले भी मुकाबला हो चुका है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह की पत्नी और ब्रजेंद्र की मां को हराया था। इस बार ब्रजेंद्र सिंह अपनी मां की हार का बदला लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने उचना में देवेंद्र अत्री को मैदान में उतार कर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। इनेलो की तरफ से इस चुनावी दंगल में WWE की खिलाड़ी कविता दलाल को उम्मीदवार बनाया गया है। अब अगर बात करें भिवानी की तोसाम सीट की, तो इस सीट पर बंसीलाल परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तोसाम बंसीलाल परिवार की पैतृक सीट मानी जाती है। पहले यहां से बीजेपी की मौजूदा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी विधायक थी, अब इस सीट पर उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस ने श्रुति चौधरी के सामने उनके ताऊ के बेटे यानी कि श्रुति के भाई अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतार कर चुनावी दंगल को और भी रोचक बना दिया है। यानी बंसीलाल की सीट पर उनके ही पोते और पोती आमने सामने आ गए हैं। रानिया भी बड़ी हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है। रानिया सीट भी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और इसका कारण ये है कि बीजेपी ने 2019 में यहां से विधायक रहे रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया था। रणजीत चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़े मगर हार गए। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद रणजीत चौटाला निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। उनको जेजेपी का भी समर्थन मिल गया है। रणजीत चौटाला के सामने इनेलो से उनके परिवार के पोते अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और दादा पोते की लड़ाई से रानिया सीट का चुनाव काफी रोचक हो गया है। वहीं अगर बात करें जुलाना सीट की, तो जुलाना सीट जींद की एक चर्चित सीट मानी जा रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पहलवानों के आंदोलन और पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम से अधिक वजन से फाइनल ना खेल पाने वाली कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना है। वहीं बीजेपी ने उनके सामने 35 साल के एयर इंडिया के कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है, जबकि जेजेपी की तरफ से मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा मैदान में है। अब अगर अंबाला सीट की बात करें, तो अंबाला सीट भी प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, जो कि 6 बार से यहां से विधायक रह चुके हैं और 7वीं बार जीत की उम्मीद के साथ दंगल में उतरे हैं। ये सीट इसलिए भी खास मानी जा रही है कि यहां कांग्रेस की बागी उम्मीदवार चित्र सरवारा भी मैदान में आ गई है। हालांकि यहां से कांग्रेस की तरफ से परविंदर सिंह पारी मैदान में है। एक और हॉट सीट के रूप में गढ़ी सांपला किलोई भी इस समय काफी चर्चित है। गढ़ी सांपला किलोई हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, क्योंकि इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। इस बार बीजेपी ने भी इस सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से चुनाव चर्चा में आ गया है। बीजेपी ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को मैदान में उतार दिया है। वहीं लाडवा सीट भी इस समय काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है, क्योंकि
कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट इसलिए भी खास बन गई है क्योंकि इस सीट पर प्रदेश के मौजूदा सीएम नायब सैनी मैदान में हैं। पार्टी ने उन्हें करनाल से इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है, इस वजह से ये सीट बीजेपी के लिए अहम मानी जाती है। हालांकि इस सीट पर उनके सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह मैदान में हैं, जो नायब सैनी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करते हैं दक्षिण हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की खास सीट अटेली इस समय काफी चर्चा में है क्योंकि इस सीट पर अहिरवाल क्षेत्र के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की साख दांव पर है, क्योंकि इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी आरती राव मैदान में आ गई है। वही कांग्रेस ने उनके सामने अनिता यादव को मैदान में उतार दिया है, यानी कि यहाँ पर दो यादव आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें हिसार सीट की, तो हिसार सीट पर इस बार सबकी नजर रहने वाली है क्योंकि हिसार सीट हरियाणा की हॉट सीटों में से एक मानी जाती है और इस सीट पर देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक और बीजेपी के लोकसभा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गई है। वहीं बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता चुनावी मैदान में हैं, जिसकी वजह से यहां के मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने रामनिवास रारा को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि हरियाणा का किला कौन फतेह करता है, किसकी सरकार बनती है और आने वाले समय में हरियाणा के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड।